हेलो डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चेक योर प्रोग्रेस ऑफ यूनिट इलेवन ओके फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर वन टिक द करेक्ट आंसर टिक द करेक्ट आंसर परसेंट मींस आउट ऑफ परसेंट मींस आउट ऑफ हंड्रेड ये देखना ना थर्ड ऑप्शन आपका राइट है हंड्रेड सेकेंड बी में देखिएगा वाट इज़ द साइन ऑफ परसेंट वन और टू पॉइंट ठीक है ना आपका परसेंट का साइन यानी नंबर फर्स्ट क्लियर सी वाट परसेंट ऑफ 120 हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम इज थर्टी ग्राम इसको आप खुद सॉल्व करिएगा जो आंसर आएगा वो परसेंट में आपका इसी तीन में से कोई होगा ठीक है ना तो सॉल्व क्या करेंगे थर्टी अपन वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड ठीक है प्रीवियस वीडियो में आपको परसेंटेज निकालना कई बार एक्सप्लेन किया गया है तो इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा और जो आंसर आएगा उस पर टिक कर लीजिए डी वाट इज़ फोर हंड्रेड ऑफ फोर हंड्रेड ठीक है वाट इज़ फोर हंड्रेड ऑफ फोर हंड्रेड तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा फोर हंड्रेड अपन हंड्रेड इंटू फोर हंड्रेड ठीक है ना जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ई सूची स्कोर परसेंट इन मैथमेटिक्स इफ मैक्सिमम मार्क आर हंड्रेड तो हंड्रेड का सेवेंटी टू परसेंट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ हंड्रेड आप फाइंड आउट कर लीजिएगा स्कोर आ जाएगा कितना स्कोर होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन इस तरीके आप सॉल्व uh, करके जो जो आंसर होगा उस पर टिक कर लीजिएगा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर टू टू सेवन क्वेश्चन नंबर टू से सेवन तक ये सभी बैक साइड के एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन हैं वहाँ पे जिस तरीके करना था वहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन हैं ठीक है ना इसको आप खुद से ट्राई करिएगा जो क्वेश्चन अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती उस, उसे आप पूछिएगा ओके मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर एट से लेकर फिफ्टीन तक ये देख रहे हैं ना ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्वेश्चन हैं इन्हें मैं सारा वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप ट्राई कीजिएगा और उसको सॉल्व करने के बाद नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा ओके तो क्वेश्चन नंबर एट इन के बी सी राहुल ओन ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इफ़ ही पेड थर्टी थ्री परसेंट एज इनकम टैक्स एज इनकम टैक्स टैक्स फाइंड हिज प्राइस मनी ओके इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम पहले हम करेंगे क्या कि राहुल ओन ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड को हम नंबर्स में राइट कर लेते हैं ट्वेल्व ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ना तो इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट ये देख रहे हैं ना राहुल ओन ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स कितना बना उसका थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थ्री ऑफ अब इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने इससे पहले कई कि, कितनी बार समझाया सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है थर्टी थ्री अपान वन हंड्रेड इंटू वन टू फाइव फोर्थ जीरो टू जीरो कैंसिल थर्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई वन टू फाइव जीरो जीरो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आता फोर वन टू फाइव ज़ीरो जीरो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ओके हीस प्राइज मनी अब वो जो इनकम टैक्स पे कर देता है तो उसके बाद उसको कितना मिलता है तो दोनों को माइनस कर दीजिए ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी वन फोर लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करने पाएगा एट लाख थर्टी सेवन थाउजेंड एट लाख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यही आपका आंसर हो जाएगा ओके तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन सेल्स मैन गेट्स थ्री परसेंट कमीशन फॉर द सेलिंग गुड्स वाट अमाउंट विल ही रिसीव फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ रुपीज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड यानी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड पर कितना उसको कमीशन मिलेगा ठीक है ना तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है अमाउंट विल ही रिसीव फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ रुपीज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री परसेंट ऑफ सिक्स टू जीरो जीरो इसका भी सोल्यूशन इससे पहले भी क्लियर किया गया सेम वही चीज यहाँ पे भी आया थ्री ऑफ वन हंड्रेड Into two, 000, 000 cancel, into two, 86 रुपीस का आंसर आ जाएगा ओके ना ये सब क्वेश्चन को मैंने पहले बहुत एक्सप्लेन किया है तो जितनी बार आप इसको ट्राई करते रहेंगे देखते रहेंगे आपको आता रहेगा लेकिन हर क्वेश्चन को लगा के आपको समझना है ठीक है अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन अनीता स्पेंड फोर्टी परसेंट ऑफ हर सैलरी ऑन फूड ओके यानी फोर्टी परसेंट जो है वो स्पेंड uh, करती है फूड पर टेन परसेंट रेंट थर्टीन परसेंट क्लॉथ टेन परसेंट और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड सेव द रेस्ट इफ सी सेव वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ फाइंड ही हर सैलरी पर मंथ ठीक है तो इस क्वेश्चन टेन का सोल्यूशन आप यहाँ पर देखिएगा रेस्ट मनी इन परसेंटेज ठीक है ना यानी परसेंटेज में जो रेस्ट मनी होगा वो क्या होगा इसको हम क्या करते हैं कि सभी परसेंटेज को सम करके हंड्रेड परसेंट से माइनस कर देते हैं देखिए पे सॉल्यूशन में हंड्रेड परसेंट माइनस फोर्टी परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस थर्टीन प्लस टेन ऐड करने पे सेवेंटी थ्री आया जब हंड्रेड से माइनस किया ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है ना तो अब हम हमको बताना है उसकी सैलरी क्या है हर सैलरी पर मंथ तो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ये रेस्ट मनी है ठीक है ना इन हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी सेवन परसेंट परसेंट में जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमको आता है ठीक है ना तो फिफ्टी करने पे फाइव थाउजेंड यही पर मंथ की सैलरी हुई. इस तरह की इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हुआ ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ दॉपुलेशन ऑफ एज ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी इफ इट इंक्रीज फिफ्टीन पर ईयर विल बी इट पॉपुलेशन आफ्टर वन ईयर देखिए इसमें आप फिफ्टीन परसेंट से निकाल लीजिएगा इंक्रीज पॉपुलेशन ठीक है ना फिर तो टोटल इंक्रीज यहां से देखिए सेंटेंस आपको बन जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर वन ईयर ठीक है ना टोटल पॉपुलेशन आफ्टर वन ईयर तो जो आएगा आपका वो ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी में प्लस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपका है ए ग्रुप ऑफ एट्टी स्टूडेंट वेंट ऑन ए पिकनिक फिफ्टीन परसेंट देर गर्ल्स हाउ मेनी गर्ल्स वर दे एयर इन द ग्रुप ऑल्सो फाइंड द नंबर देखिए यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट गर्ल्स हैं ठीक है ना इस टाइप के क्वेश्चन पीछे आ चुका है ठीक है ना तो आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स डालिएगा ठीक है ना फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ एट्टी फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ एट्टी जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएगा और जब नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना होगा तो टोटल स्टूडेंट से माइनस कर देंगे इसका सिर्फ सोल्यूशन हमें दिखाऊँगा ठीक है एक्सप्लेन मैं मैंने यहाँ पे कर दिया तो आप ये देखिए सबसे ऊपर ये ये आपकी स्क्रीन पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर आप वो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वो माइनस कर दीजिए आ जाएगा अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ मिस्टर सहगल अर्न फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड पर मंथ ही पेज टू परसेंट एन एज इन इनकम टैक्स हाउ मच डज ही पे एज इनकम टैक्स सिर्फ आप टू परसेंट निकाल लीजिए टू परसेंट आप फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का देखिए बहुत सिंपल है ये देख रहे हैं ना ये आपकी स्क्रीन पर है ठीक इस तरीके आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉरी क्वेश्चन नंबर ये ही पेड एज इनकम टैक्स टू परसेंट ऑफ़ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सोल्यूशन आपको कितनी बार समझाया है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रोहित वेंट टू स्कूल फॉर टू हंड्रेड ट्वेंटी एट डेज इन ए फुलयर इफ़ हीज अटेंडेंस इज नाइन्टी फाइव परसेंट फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपेंड तो कह रहा है कि अगर नाइन्टी फाइव परसेंट अटेंडेंस हो अगर वो टू हंड्रेड ट्वेंटी एट डेज गया है एक साल में और उसका अटेंडेंस आया नाइन्टी फाइव परसेंट तो टोटल वो कितने दिन गया यानी स्कूल कितने दिन ओपन था टोटल तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये देख रहे ना लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपन एक्स तो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एक्स टू हंड्रेड ट्वेंटी एट तो नाइन्टी फाइव अपन हंड्रेड जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो हंड्रेड आ जाता है ऊपर और नाइन्टी फाइव नीचे हो जाता है जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी यानी टू हंड्रेड फोर्टी डेज ये देख रहे ना तो टू हंड्रेड फोर्टी डेज जो स्कूल ओपन हुआ ठीक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देयर आर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ट्रीज इन ए गार्डन इफ़ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ देम आर एप्पल ट्री सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट आर लेमन ट्री एंड द रेस्ट आर मैंगो ट्री देन फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रीज इन द गार्डन ठीक है ना तो इसमें हम जो है नंबर ऑफ ट्रीज बताएंगे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नंबर ऑफ़ एप्पल ट्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जब इसको आप कैंसिल करोगे तो आप डायरेक्ट भी वन फोर से कैंसिल कर लो फोर से से कर दीजिए तब भी आपका एट्टी आ जाएगा सिक्सटीन फाइव 80, एट्टी ओके इस तरीके ये नंबर ऑफ़ एप्पल ट्री हो गया और नंबर ऑफ़ लेमन ट्री देखिए सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ऑफ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा टू हंड्रेड ठीक है ना फिर नंबर ऑफ़ मैंगोज ट्री तो करना क्या है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी में से इन्हीं दोनों को ऐड करके माइनस कर दिए एट्टी प्लस टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड एट्टी जब माइनस करेंगे तो फोर्टी ठीक है इस तरीके आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है ठीक है ना तो इस तरीके ये चेक योर प्रोग्रेस का मैंने uh, सभी वर्ड्स प्रॉब्लम को एक वन बाई वन एक्सप्लेन कर दिया है आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद फेयर नोटबुक कंप्लीट भी कर लीजिएगा ठीक है ना और उसे होमवर्क जब दिया जाए तो उस पर आप सबमिट कर दीजिएगा ओके Thank you.